हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 11 जुलाई 2023 और द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल पार्ट होंगे वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ बेसिक न्यूज़ के साथ और फ्रंट पेज पे कवर करेंगे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर बेसिकली हैवी रेनफॉल हो रही है और इसी हैवी रेनफॉल का इम्पैक्ट है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर ज़्यादा बारिश हुई और हिमाचल प्रदेश के अंदर बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो एक तरीके से कह सकते लोअर एरियाज है या लोअर एक तरीके से स्टेट है या नॉन हिली स्टेट है जैसे पंजाब और हरियाणा, इन पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि बहुत सारे रिवर जो है वो हिमाचल से पंजाब में जाती है और पंजाब और उसके बाद फिर कुछ रिवर जो है वो नॉर्थर्न हरियाणा, इस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। उसी के बारे में कवर किया गया है कि अभी भी कुछ लोग जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रैंडेड है, जैसे टूरिस्ट है। इसके अलावा हाईवे, पावर स्टेशन, वाटर सप्लाई सिस्टम, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। और इनके चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के अकॉर्डिंग 3000 से लेकर 4000 करोड़ रुपए तक का नुकसान एक एस्टिमेट किया गया, ज़्यादा हो सकता है। ये फोटोग्राफ काफ़ी कह सकते हैं चैलेंजिंग है। एक एरिया है मंडी के अंदर, वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आप देखेंगे फ्लैश फ्लड है ये, और जब पानी में एक तरीके से लकड़ी के बड़े बड़े एक तरीके से पेड़ साथ में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं और उसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या डेवलपमेंट में सस्टेनेबल ना होना कितना कैटास्ट्रोफिक है। दूसरा, माउंटेन एरिया जहाँ पर एक तरीके से माना जाता है हिमालय ने एक तरीके से माउंटेन की तरह है और कई बार बोला जाता है कि कच्चे पहाड़ हैं, तो वहाँ पर जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी है। और तीसरा, क्या क्लाइमेट चेंज के कैटास्ट्रोफिक इवेंट हम फील कर रहे हैं या देश के अंदर अगर एक तरीके से देखिए वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है देश के अलग अलग एरिया में, जैसे साउथ है, सेंट्रल और ईस्टर्न एरिया के अंदर रेनफॉल कम हुई है, लेकिन एक दिन में ही अगर हम बात करते दिल्ली जैसे स्टेट के अंदर, दिल्ली जैसे यूटी के अंदर 150 mm तक बारिश होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये नॉर्थर्न इंडिया के अंदर जो वेदर चेंज हुआ है इसके लिए डेफिनेटली इस तरह का सिस्टम भी नहीं, आप इस तरह की फ्लैश फ्लड को किसी भी सिस्टम से नहीं रोक सकते, लेकिन इम्पैक्ट हम फील कर रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज की और उसके कैटास्ट्रोफिक इवेंट। इसके बाद सेकेंड, अगर आप देखेंगे एक एग्रीमेंट हुआ था फॉक्सकॉन के साथ वेदांता ग्रुप का, और फॉक्सकॉन बेसिकली एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, ताइवान बेस्ड कंपनी है जिसको जनरली होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप बोला जाता है और इसको नॉर्मल वे में अगर हम बात करें फॉक्सकॉन करके बोला जाता है। $19.5 billion की डील हुई थी सेमीकंडक्टर को लेकर और इन्होंने ये डील बेसिकली पुल आउट कर लिया अपने आप को। इसके पीछे क्या वजह है वो रीजन बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं किए गए, लेकिन ये बताया गया कि जॉइंट वेंचर के थ्रू 20 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप जो है वो गुजरात के अंदर एक तरीके से फैब्रिकेट की जानी थी। इसके अलावा इन्होंने एक लाइन बोली है कि हम लोग और ज़्यादा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी को डाइवर्स करना चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था और अब हम जो है इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते और इससे अपने आप को विड्रॉ करते हैं, तो बेसिक सी एक स्टेटमेंट बताई गई। इसके अलावा इसी तरीके से एक और बेसिक न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल के जो पोल्स हुए हैं उसमें कुछ जगह पर रीपोलिंग करवाएगी, वो पीसफुल रहा। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जितनी भी डेथ हुई है पॉलिटिकल वायलेंस की वजह से उसको लेकर FIR ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए या एक तरीके से उनके अगेंस्ट FIR जो है वो लॉन्च की जाए, क्योंकि पॉलिटिकल वायलेंस होना ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। और अगर वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेट बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है और कहीं ना कहीं कई बार ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि लोकल पोल्स में खासकर वहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा पीक पर है और इसी का इम्पैक्ट है वहाँ पर कि अराउंड 696 बूथ्स पर दोबारा पोलिंग हुई, क्योंकि वो एक तरीके से वहाँ पर चाहे वो किसी भी तरीके से कैंसिल करना पड़ा हो, बूथ कैप्चरिंग की है, जो भी घटना हो जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड किया। इसके बाद अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस की। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये चाहता है
कि हमें डेटा प्रोवाइड करिए कि पिछले 5 सालों में, जब 2018 में, जुलाई 2018 में जजमेंट आई थी, तब से लेकर अब तक आपने लिंचिंग के अगेंस्ट क्या किया। लिंचिंग क्या होता है कि एक भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक करना, उसके बाद उसकी हत्या कर देना, ये एक तरीके से भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या ही एक तरीके से लिंचिंग है। तो यहाँ पर बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लिंचिंग से रिलेटेड डेटा को, जो जनरली कम्युनल हेट पर डिपेंड करते हैं, 2018 की जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की मोबोक्रेसी या भीड़ तंत्र को आप डेमोक्रेसी में जगह नहीं दे सकते। इसके अलावा यहाँ पर डेटा फाइल करने के बारे में कि कितनी कंप्लेंट फाइल हुई, क्या FIR रजिस्टर हुई, कितने चालान जो है सबमिट करेंगे, उन सब का डेटा जो है हमें प्रोवाइड करिए, मॉब लिंचिंग और वॉयलेंस, मॉब वॉयलेंस और लिंचिंग से रिलेटेड। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री जो है वो एक डायरेक्शन भी दिया गया कि आप इस तरह की चीज़ों को डील करने के लिए पर्टिकुलर लॉ और स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा 2018 में जजमेंट आई थी जिसमें डायरेक्शन दिया गया था कि आप प्रॉपर मेजर लीजिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। तो ओवरऑल मॉब लिंचिंग, हेट स्पीचेज और मॉब वॉयलेंस, इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या एक्शन स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ने लिया है, उन सब के बारे में एक डेटा जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। और लेट्स सी आने वाले टाइम में इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर स्टोरीज आपको नज़र आएगी कि दिल्ली या अलग अलग स्टेट के अंदर, खासकर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के अंदर हैवी फ्लड्स देखने को मिल रही है। इवन मैं नॉर्थ के बारे में बात नहीं करूँगा, सेंट्रल स्टेट अगर आप MP की बात करते हैं वहाँ पर भी फ्लड की सिचुएशंस है। तो देश के अंदर फ्लड मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। और न केवल अगर आप MP या अगर आप राजस्थान की कुछ जगह पर देखे जाए, सीकर जैसी जगह पर काफ़ी फ्लड वहाँ पर भी है। तो फ्लड एक सीरियस इशू बना है जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग स्टेट्स में जो वो फील किया जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और डायरेक्ट जाएंगे पेज नंबर 8 जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का है। एडिटोरियल वाला पार्ट हम एंड में डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले तो एक स्टोरी देखिए आप। कुछ लोग जो है वो सेनेगल, जो अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ से जा रहे थे स्पेन के अंदर, और उस बीच जो है वो एक्सीडेंट होता है और अराउंड 300 लोग जो उसमें मिसिंग है। बेसिकली बहुत सारे लोग जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से या वेस्टर्न एशिया से यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। और उसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से, रिस्क लेते हैं कि भाई हम बोट्स के थ्रू जो है जाएंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में कई सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। इलीगल इमिग्रेशन यूरोप के अंदर एक बड़ा सीरियस इश्यू है और बहुत सारी कंट्री अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है एक तरीके से यूरोपियन से अलग होने के पीछे भी यही रीजन। जैसे UK रीजन में आपने पढ़ा होगा फ्रांस के अंदर वॉयलेंस हो रही है। फ्रांस में जिस बच्चे की डेथ की वजह से वॉयलेंस हुई है वो भी एक तरीके से अल्जीरिया से बिलोंग करता था या पर्टिकुलर ओरिजिनली फ्रांस से नहीं था। तो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन को कनेक्ट किया जा रहा है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है यूरोप के लिए। और इमिग्रेशन को एक्सेप्ट ना करना भी प्रॉब्लम है और एक्सेप्ट अगर आप बड़े स्केल पर करेंगे वो भी एक प्रॉब्लम है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वो है सेनेगल को ज्योग्राफिकली थोड़ा लोकेट करिए और सेनेगल को देखिए कहाँ पर ये लोकेट करता है, नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, इसके अलावा इसके आसपास क्या कोई इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल प्लेस है, वो भी आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ग्लोबल साउथ ओरिजिन और सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, और लास्ट है फ्रांस के अंदर जो राइड्स हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, एक्चुअल में किस तरीके से घटनाएं घटी, स्टोरी या समराइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी, सीधी सीधी चार बातें हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं तो ये रेफ़र किया जाता है वेरियस कंट्रीज़ का, जिसको जनरली हम डिफाइन करते हैं डेवलपिंग कंट्री को, लेस डेवलप्ड को, या अंडर डेवलप्ड, यानी ऐसी कंट्री जो कंप्लीट डेवलप्ड नहीं है, वो सारी कंट्री ग्लोबल साउथ के दायरे में आती है, या एक तरीके से एमर्जिंग इकोनॉमीज़ भी हम बोलते हैं, ये भी डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आएगी। और ग्लोबल साउथ में अगर हम बात करते हैं जिन्होंने इंपीरियलिज्म समाप्त किया, कॉलोनियल रूल समाप्त किया, मोस्टली वो कंट्री है।
और ये माना जाता है कि 2030 तक प्रोजेक्ट किया गया है कि चार लार्जेस्ट इकोनॉमी से में से तीन इकोनॉमी जो है ग्लोबल साउथ की हो सकती है, जैसे चाइना, इंडिया, यूएस और इंडोनेशिया, ये बड़ी इकोनॉमी होगी। और इंडिया और इंडोनेशिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि ये एमर्ज करें, राइट। सेकेंड आर्टिकल फ्रांस में राइट्स का एक स्टोरी बताया गया कि क्या रीजन्स रहे। बेसिकली 27 जून को नाहिल मेरजोक करके एक 17 साल का अनआर्म्ड फ्रेंच सिटीजन है, ये बेसिकली अल्जीरिया से बिलोंग करता था और मोरक्को डिसेंट या उससे कहीं ना कहीं रिलेट था। इसके अलावा देखो यहाँ पर फ्रांस में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं कोई सीरियस क्राइम था, ट्रैफिक वॉयलेशन किया था, उसके बाद इन पर फायरिंग हुई और उनकी हत्या हुई। इसके अलावा इस इंसिडेंट ने फ्रांस में एक तरीके से रेशियल पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट है उसको और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। और जिस तरीके से बोला जाता है कि फ्रांस की पुलिस ब्लैक और अरब्स को जो आइडेंटिटी चेक्स करती है, उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर चैलेंज बना। प्रेसिडेंट मैक्रों के सामने कई सारे चैलेंजेज हैं मल्टीपल फ्रंट्स पर, जिसमें एक तो पेंशन रिफॉर्म को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डोमेस्टिक डिसकंटेंट है इन्फ्लेशन की वजह से, और रेशन में राइट्स, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों के सामने और ज़्यादा चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद पेज नंबर अगर हम बात करें, पेज नंबर यहाँ पर आप देखेंगे 10-10 पर मोस्टली न्यूज़ मणिपुर से रिलेटेड है। डेटा पूछा गया है, कितने डेटा बताया गया, कितने लोगों की डेथ हुई या कितने लोग वायलेंस से अफेक्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर से पूछा कि क्या स्टेटस है, जो वेपन पुलिस से चुराए गए थे या स्टोलन उनके पुलिस वेपन्स का क्या स्टेटस है उसके बारे में आप बताइए। इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स आती है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आपको बताऊंगा आर्टिकल 370 जो एक तरीके से टेम्परेरी प्रोविजन था जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर, 5 अगस्त 2019 को जब हटाया गया था, तो उसी डिसीजन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटीशन फाइल करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपना रिस्पांस फाइल किया है। क्या बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट हम बात करेंगे। पहला, एक तो इन्होंने बताया कि ये हटाने की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में अनप्रेसिडेंटेड ईरा ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया कि इस बाइफर्केशन के बाद जो इस पर्टिकुलर रीजन में नॉर्मलसी आई है। सेकेंडली बताया गया कि स्ट्रीट वॉयलेंस या जो घटनाएं घटती थी पत्थर फेंकने की, वो कम हुई है। टेररिस्ट एक्टिविटी कम हुई है, बंद और हड़ताल ये कम हुई है ना। इसके अलावा एनुअल बजट पैकेज में भी काफ़ी इंक्रीमेंट किया गया है, 2019-20 में 80,000 था, अब ये 118,000 है, यानी कंटिन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के थ्रू रीजन में 32 आउट ऑफ टोटल 53 प्रोजेक्ट जो है 58,477 करोड़ के अप्रूव किए गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है। इसके अलावा बहुत सारे लॉ इम्प्लीमेंट हो गए हैं, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है, लैंड एक्विजिशन कंपनसेशन स्टेटस है, ये सारे लॉ अब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गए हैं। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन होने के क्या बेनिफिट है, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हियर कर रही इसको चैलेंज को लेकर, तो ये एफिडेविट की बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी हो जाती है। अब आप लोगों के लिए सवाल तो नहीं है, अगर आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर फ्लड या वाटर लॉजिंग की एक प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से भारत के, अगर हम शहरों की खासकर बात करें, पानी निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इतनी ज़्यादा बारिश के पीछे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं एज़ पर योर ओपिनियन। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, उजरा जिया एक तरीके से ऑफिशियल्स हैं, बेसिकली यूएस की इंडिया के अंदर आई, इन्होंने डिस्कस किया कोऑपरेशन कैसे करेंगे इंडो पैसिफिक में, सिविल राइट्स में कैसे कोऑपरेशन करेंगे। इसके बाद ये बांग्लादेश जाएगी। इनके अलावा जब ये दलाई लामा से मिले, तब कहीं ना कहीं चाइना ने बोला कि ये तो इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारे एरिया में। जनरली चाइना दलाई लामा को बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं देखता है और ये मानता है कि ये सेपरेटिस्ट लीडर की तरह है। हालांकि अभी रिसेंट में एक स्टेटमेंट आई है, दलाई लामा ने ये एक तरीके से स्टेटमेंट किया है, उन्होंने बोला कि तिब्बत जो है वो इंटरनल पार्ट है चाइना का, तो जब
कोई भी अगर चाइना जिसको सेपरेटिस्ट लीडर बोलता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो पर्सनली ये प्रूव कर देते कि भाई ये चीज़ें तो बेसिकली कह सकते हैं कि ये इसके मामले में, या कह सकते हैं कि अप्रूवल कर देता सेपरेटिस्ट लीडर, तो उसमें वो जो केसेस है जो उनके अगेंस्ट कंसर्न है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद पेज नंबर 12 पे अगर हम बात करते हैं, तो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पहला बताया गया कि 2025 तक हम लोग जो है आज के टाइम पे जो यूरिया इंपोर्ट करते हैं उसको कम करेंगे, उसमें रिलैक्सेशन होगा। इसके अलावा अल्टरनेट फॉर्म्स के थ्रू इसको रिप्लेस करने के बारे में डिस्कस होगा। तो पहले तो दो तीन चीज़ें बताई गई है। पहले बताया गया कि अराउंड 3.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज है केवल फर्टिलाइज़र को खरीदने में, और ये देश की अगर हम बात करें सोइल के हिसाब से भी अनबैलेंस है। होना ये चाहिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बीच में रेशियो हो 4:1 का, लेकिन ये रेशियो अब 8:3:1 का, यानी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, इस सीधा सीधा मतलब नाइट्रोजन का कि खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया एक तरीके से स्प्रेड किया जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि सोइल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ, ये सारे इफेक्ट है एक दूसरे से रिलेट करती है। इसके अलावा ये पाया गया कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो शिफ्ट है, हालांकि उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फर्टिलाइज़र के ओवर यूज़ होने से ओवरऑल जो प्रोडक्शन उसमें कमी आई है, जैसे पंजाब के अंदर फर्टिलाइज़र के यूज़ में बढ़ोतरी की गई या इंक्रीमेंट हुआ है, बट ओवरऑल प्रोडक्शन में कमी हुई है। इसके अलावा नैनो यूरिया क्या एक ऑप्शन है, इसको लेकर डिस्कस किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या ऑप्शन है, इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। तो आने वाले टाइम में कैसे हम लोग फूड सिक्योरिटी, फार्मर इन सब से कॉम्प्रोमाइज़, इनकी इनकम को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए ये इंश्योर करें कि फर्टिलाइज़र का बैलेंस यूज़ हो, और इम्पोर्ट पर जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा ईज़ किया जा सके, क्योंकि इम्पोर्ट करने का मतलब सीधा सीधा है हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और फर्टिलाइज़र पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी है। आई थिंक DAP का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं अभी क्या रेट चल रहा है, अराउंड 1500 के आसपास मान लेते हैं, 1500 से 2000 हो सकता है। 1500 रुपये का अगर DAP मिलता है तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 3500 के आसपास। तो ये 2000 जो है ये सब्सिडी है, और ह्यूज सब्सिडी जो है वो दी जाती है खासकर फर्टिलाइज़र को लेकर। इसके अलावा भारत के प्राइम मिनिस्टर भले ही फ्रांस में एक तरीके से राइड्स हो रहे हो, लेकिन फ्रांस की विजिट है और चीफ गेस्ट होंगे बेस्टाइल डे परेड के। वहाँ पर बेसिकली राफेल, स्कॉर्पियन एंड जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर राफेल M Fighter जो है और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के को डेवलपमेंट को लेकर भी डिस्कस होगा। जेट इंजन के डेवलपमेंट को लेकर इंजन होने वाला है। इससे पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हो सकती है जिसमें अप्रूवल मिलेगा इसको, और उसके बाद फाइनली इसमें डिसाइड हो सकता है। इसके अलावा 36 राफेल जेट के कस्टमाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें 7.87 बिलियन यूरो के अंदर ये डील हुई थी 2016 में। इसके अलावा इंडिजीनियस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, ये अंडर डेवलप्ड है, और ये एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट जो एजेंसी जो DRDO के अंडर है वो बेसिकली काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में डिफेंस के मामले में दो चीज़ें हो रही है। पहला, एक तो हम अपने सोर्सेज को डाइवर्स कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहते रशिया के ऊपर। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं हम अपनी ट्राई फोर्सेज को, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, इन सब के वेपन को या इनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उनको मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, ताकि बेटर क्वालिटी का एक तरीके से सेटअप मिले, और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एज पर द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे एनिमीज नेशंस के पास क्या स्ट्रेंथ है, उन सबको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। इसके अलावा अगेन वही सेनेगल से स्पेन के बीच में जो बोट जा रही थी उसको ऑब्जर्व किया गया है। कैनरी आइलैंड के आसपास कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। एक न्यूज़ आती है बेसिकली सोलोमन आइलैंड, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था और ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चाइनीज प्रेजेंस कंटिन्यू बढ़ रही है। रेशन में चाइना ने कुछ एग्रीमेंट इनके साथ किए कि हम पुलिस, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में आपकी मदद करेंगे, और इन्होंने ये भी बोला कि वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के थ्रू हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, आपका डेवलपमेंट करेंगे, पैसिफिक एक तरीके से पैसिफिक एशियन ओशन के अंदर हो
या एशिया अफ्रीका के अंदर डेवलपमेंट को लेकर वो चाइना एग्रेसिवली पुश करता है वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव को, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखो चाइना के डेवलपमेंट को हमेशा डाउटफुल तरीके से देखा जाता है। जितना ये क्लेम करते हैं हम डेवलपमेंट कर देंगे, शांतिपूर्वक तरीके से काम करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगती है और ये बोलते कुछ है करते कुछ है। इसके अलावा सेबी के सामने जो क्वेश्चन था कि रिसेंट में आपको पता होगा अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एलिगेशन लगा, एक रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग के रिपोर्ट जिसमें एलिगेशन लगाया गया कि कुछ ना कुछ उसमें सेबी की तरफ से लूप होल्स थे जिसका बेनिफिट देने की कोशिश करेगी। इसके अलावा इस पूरे केस में जस्टिस एएम सप्रे पैनल जो एनालिसिस कर रहा था उन्होंने बताया कि 2018 के अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ ना कुछ चेंजेज जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। कोर्ट ने के द्वारा जो अपॉइंटेड पैनल है उसने ये बोला कि ये चिकन एंड एग सिचुएशंस है, इसमें पता ही नहीं चल रहा कि रीज़न क्या है, इफेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन है नहीं ओनरशिप को लेकर। इसके अलावा सेबी ने बोला कि हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि लास्ट नेचुरल पर्सन को डिस्क्लोज करने के बारे में इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे आज तक पूछी नहीं गई है, तो इस तरह के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन कर पाना ये सेबी के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इस पूरे सिनेरियो में लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होगा। नेट डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हुआ है और ये 16% इंक्रीज होकर 4.75 लाख करोड़ के आसपास जो वो हुआ है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी न्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंडिया जो है वो, एक सेकेंड, इंडिया यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिया जो है वो चाइना को क्रॉस कर सकता है, चाइना को जो है वो एक तरीके से, एक सेकेंड, क्रॉस कर सकता है बेसिकली बेस्ट एमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है। इंडिया साउथ कोरिया ये बेस्ट डेस्टिनेशन होंगे आने वाले टाइम में एक तरीके से एक्सपोजर को इंक्रीज़ करने में या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिले, क्योंकि एक तो डेमोग्राफी बहुत सॉलिड है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रेगुलेशन जो है वो है, इसकी वजह से हाई चांसेस है कि देश के अंदर आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो। इसके बाद एडिटोरियल वाले पेज पे जाएंगे और एडिटोरियल में दो आर्टिकल है, पहला है सेकेंड मूनशूट करके या चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, और एक आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इसके इम्पैक्ट क्या है। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा डिटेल में एक एक पॉइंट बताया गया, लेकिन हम कर्क्स बेस में या इसको मेन मेन पॉइंट क्या उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेकंड मूनशूट करके जो टाइटल दिया गया है, बेसिकली चंद्रयान 3 मिशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, साइंटिफिक और पॉलिटिकल हिसाब से क्यों इसकी रेलेवेंस है। तो कल, सॉरी, 14 जुलाई को 2:35 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग इसरो जो लॉन्च करने वाला है चंद्रयान 3 मिशन, और ये मिशन ऑन बोर्ड होगा, यानी मार्क 3 श्रीहरिकोटा चंद्रयान 3 जो है वो एक तरीके से लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था जिसके अंदर ऑर्बिटर एंड लैंडर जो है विक्रम और रोवर जो था उसके अंदर प्रज्ञान था, वही सेम नेम रखे गए, यहाँ पर भी नेम चेंज नहीं किए गए हैं। पिछली बार मिशन फेल हो गया था क्योंकि लैंडर क्रैश कर गया था कि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाए, एंड में लास्ट मिनट पे कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसमें कनेक्ट होने में दिक्कत आई। इसरो ने लेटर आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम जो है वो गाइडेंस सॉफ्टवेयर के अंदर है और अनएक्सपेक्टेड डिस्पेरिजेंस होने की वजह से जो प्रोपल्यूजन सिस्टम है सर्टेन फेजेस के अंदर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं किया। चंद्रयान 3 के अंदर रॉकेट जो है प्लेस किया जाएगा पेलोड के अंदर एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर अराउंड द अर्थ। इसके अलावा प्रोपल्यूजन मॉड्यूल के अंदर जो है वो लैंडर जो है सर्कुलर ऑर्बिटर ऑर्बिट अराउंड द मून उसको कहीं ना कहीं टेक ओवर करेगा, और फाइनली लैंडर जो है डी अटैच हो जाएगा एंड एक सीरीज स्टार्ट हो जाएगी मेनोवरेस क्लिमिनेटिंग की, जो ग्रेजुअल लैंडिंग जो होगी 23 अगस्त 2024 को हो सकती इसी साल, राइट। इसके बाद इस बार क्या किया गया है, बेसिकली कुछ टेक्निकल चीज़ें उनको छोड़ दीजिए, मेन चीज़ क्या की गई है इसमें सक्सेस इंक्रीज हो जाती है, यानी प्रोसीजर को बदला गया है, थोड़ी टेक्निक चेंज करी गई है। इसरो ने पहली बात तो लैंडर्स के लेग स्ट्रेंथ किए हैं, दूसरा मिनिमम थ्रस्ट को लोअर किया है,
और अवेलेबिलिटी जो होगी पावर की उसको एनहेंस किया है, और इसके अलावा लैंडिंग सीक्वेंस को अपग्रेड किया है, यानी इसमें टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो चेंज करी गई जिससे इसकी सक्सेस रेशियो को इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा इंडिया के सेकेंड अटैम्प्ट होगा सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर लूनार सरफेस में, और डेमोन्स्ट्रेट करेगा एंड टू एंड कैपेबिलिटीज़ को जो कि रिलेवेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉफ्ट लैंडिंग मून पे करना हालांकि इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे चैलेंजिंग है, फेलियर के चांसेस बने रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर ये सक्सेसफुल होता है तो भारत जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि रिसेंट में हमने आर्टिमिस अकॉर्ड को भी ज्वाइन किया। आर्टिमिस अकॉर्ड का मतलब है कि यूएस का एक मिशन है कि 2025 तक मैन मिशन या ह्यूमंस को स्पेस के अंदर भेजा जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में मून पर भेजा जाए। उससे पहले जॉइंट इनिशिएटिव कि हम अगर एफर्ट्स करें या उसमें ट्रायल्स करें तो वो सक्सेसफुल हो। इसके अलावा ये इसकी सक्सेस जो है डेफिनेटली सॉफ्ट लैंडिंग पे डिपेंड करती है। इसकी इम्पोर्टेंस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक एंड प्राइवेट मून लैंडिंग मिशंस आने वाले टाइम में होंगे, उस हिसाब से इस मिशन की सक्सेस काफ़ी डिपेंड करती है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा परमानेंट बेस जो है नेचुरल सैटेलाइट्स के थ्रू बनाए जाने कोशिश है, जियोपॉलिटिकल गोल्स है यूएस के द्वारा। चाइना और रशिया कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन हो। चंद्रयान 3 जो है ये सक्सेसफुल होता है तो हम लोग एक यूनिक स्पॉट के अंदर होंगे, क्योंकि बहुत ही कम कंट्री इस तरह के सक्सेसफुल मिशंस को लॉन्च कर पाई है। 6 साइंटिफिक पेलोड इसके अंदर है, और इनके बारे में स्टडी करना, इंस्ट्रूमेंटल स्टडी करना, प्रोपल्यूजन मॉडल्स के बारे में एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें एक तरीके से हमारे सोलर सिस्टम को स्टडी करने में हेल्प करेगी, और इंडिया लीड करेगा वर्ल्ड रिस्पॉन्स के सामने जो अपॉर्चुनिटी, यानी यहाँ पर ये मिशन बहुत सारे साइंटिफिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट को कैरी आउट करेगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये भारत की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसके लिए भी गेम चेंजर इंडस्ट्री गेम चेंजर रोल प्ले करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसरप्टिव इकोनॉमिक इम्पोर्ट इम्पैक्ट एंड इंडियन चेक, यानी किस तरीके से इकोनॉमिकली इम्पैक्ट कर रहा है, और किस तरीके से अगर हम बात करें ये ओवरऑल डिसरप्टिव कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें हम नॉर्मली सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में बात करते हैं, रोबो कैब्स के बारे में बात करते हैं, हमारी लाइफ में एंटर कर रहा है, चाहे वो पोइम्स को ऑथर करना हो, पिकअप लाइंस के लिए कुछ टिप देना हो, टफेस्ट एग्जामिनेशन को पास करना, जैसे चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही, हालांकि कुछ एग्जामिनेशन में ये फेल भी हुआ, जैसे JEE का कोई एग्ज़ाम था, इसी तरीके से UPSC CSE का एग्ज़ाम था, वहाँ पर भी ये फेल कर गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? एक तो ये 5,000 कस्टमर सपोर्ट एजेंट इन फिलीपींस में जेनेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेट किए गए। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इकोनॉमिस्ट ने शो किया कि इसकी वजह से कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन बढ़ता है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे ये बताया गया कि 14% तक GDP ग्लोबल GDP बढ़ सकती है, $15.7 ट्रिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। इसके अलावा जो है GDP के अंदर अगर हम बात करते हैं 7% से लेकर $7 ट्रिलियन तक अगले 10 साल के पीरियड में अलग अलग, यानी एनालिसिस किया गया है कि GDP में इसकी वजह से ग्रोथ होगा। ये पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, डेफिनेटली जब GDP बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, और हालांकि एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट डिपेंड करता है कितनी इनकम बढ़ेगी घटेगी, अलग अलग एरियाज़ के अंदर कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाता है, जैसे US और यूरोपियन यूनियन में डेफिनेटली जहाँ पर टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन होगी वहाँ पर ये हेल्प करेगा, जहाँ पर टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन नहीं होगी वहाँ पर ये क्या हेल्प करेगा, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर कंसर्न है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां खा जाएगा। रोबोट्स और जॉब्स के अंदर डिस्कस किया जाता है कि आने वाले टाइम में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक तरीके से रोबोट जो है ह्यूमन लेबर फोर्स को कम कर देगा, जैसे US लेबर मार्केट की डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा लेबर शेयर को रिड्यूस कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट और वेजेस को इम्पैक्ट कर सकता है, इंडिविजुअल जो कोवर एक तरीके से ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं जिसके पास लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, उनके लिए बहुत ज़्यादा
चैलेंजिंग हो जाएगा, जिस तरीके से ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, जिनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है, प्रॉपरली उन्होंने कोई फंक्शन नहीं किया, काम नहीं किया, उनके लिए ये बहुत अच्छे संकेत नहीं देता, यानी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। इसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या देखो, पहली बात तो इंडिया आप सबको पता दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली देश है, तो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट लेकर आती है। पहला इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ इस इतनी बड़ी जनसंख्या और काम देना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम मैं समझता हूँ। एफिशिएंसी ठीक है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच नहीं सकते, अगर दुनिया अडॉप्ट करेगी तो आपको भी करना पड़ेगा, इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे ऐसी चीज़ के लिए जिसका आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि लोगों की नौकरियों को इम्पैक्ट करे, हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं सजेशन करता है कि भाई इकोनॉमिकली पॉजिटिव ग्रोथ होगी, जैसे GDP में 26% तक बूस्ट हो सकता है 2023 में चाइना में, और इसी तरीके से इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो आने वाले टाइम में इंडिया को एजुकेशन, ट्रेनिंग इन सब पर खर्चा करना पड़ेगा। इसके अलावा COVID-19 पैंडेमिक से जो चीज़ें हमने सीखी है उसमें हम कैसे आने वाले टाइम में जो हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक एडवांटेजेस हैं डिविडेंड्स के, इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए कैसे इकोनॉमी को, इसकी प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमिस्टिक तरीके से हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर कई सारे चैलेंजिंग हुए, जैसे लेबर मार्केट है, पॉलिटिक्स है, डेटा प्राइवेसी है, क्राइम एंड वारफेयर है, ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको एंटिसिपेट करना पड़ेगा, प्रॉपर साइबर रेगुलेशन होना पड़ेगा, और जो नए चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील करना, जैसे टैक्स कैपिटल है ना, बैलेंस कैसे करेंगे आप कैपिटल एंड लेबर के बीच में, ये अपने आप में सवाल होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, या क्रिटिकली एनालिसिस टाइप का एडिटोरियल है, इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, आप सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि PDF या किसी फाइल को शेयर करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, तो क्या टेलीग्राम चैनल हम फिर से एक तरीके से क्रिएट करें? आप नीचे ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू ऑल, जय हिंद।